नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं ज्ञान एक्सपी चैनल पर। दोस्तों आज है 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये क्लास बहुत ही ध्यान से देखना है, और क्लास के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों इस क्लास की PDF आपको ज्ञान एक्सपी के टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज है 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। अच्छा, गांधी जयंती को हम अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों गांधी जी के जन्म की हम बात करें तो 2 अक्टूबर 1969 को, कब हुआ था? 1969 को। कहाँ पर हुआ था? तो ये गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। दोस्तों अगर हम बात करें बापू जी के, गांधी जी को पहले बापू पहली बार किसने कहा था, तो पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी ने 6 जुलाई को 1944 को एक रेडियो कार्यक्रम के दौरान इन्होंने गांधी जी को पहली बार बापू कहा था। अच्छा, बापू जी की शिक्षाओं को याद करने के लिए देश तथा विश्व भर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अगर हम बात करें गांधी जी के पढ़ाई के बारे में, तो गांधी जी ने ब्रिटिश शासित भारत में अपनी पढ़ाई पूरी की थी, तथा कानून की पढ़ाई के लिए ये इंग्लैंड में जाके पूरी किए थे। अगर हम बात करें गांधी जी ने कितने आंदोलन किए थे, तो गांधी जी चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो जैसे महत्वपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व किया था। हम बात करें अगर गांधी जी को भजन कौन सा पसंद था, तो गांधी जी को पसंद था रघुपति राघव राजा राम भजन। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान अभी शीर्ष पर रहे हैं, और अगर बात करें हम दूसरे नंबर की, तो एडन मार्करम दूसरे नंबर पर रहे हैं, और सूर्य कुमार यादव भारत के तीसरे नंबर पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के द्वारा अपनी राजधानी का नाम अभी बदल दिया गया है? तो कजाकिस्तान ने अभी अपनी राजधानी का नाम बदल करके अस्ताना कर दिया है। हालांकि पहले भी इसके राजधानी का नाम 2019 के पहले अस्ताना ही हुआ करता था। 2019 में इन्होंने नूर सुल्तान अपने राजधानी का नाम रख दिया था, और उसके बाद अब फिर से अस्ताना नाम रख दिया गया है। अगर हम बात करें कजाकिस्तान किस कॉन्टिनेंट में है, तो कजाकिस्तान यूरेशिया कॉन्टिनेंट में एक देश है। यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया से मिलकर बना हुआ, दोनों में यह देश साझा करता है अपनी बॉर्डर को। अगर बात करें हम राष्ट्रपति के, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं कसीम जोमार्ट टोकायो, और यहाँ की मुद्रा है उज्बेक सो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत का पहला डोगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ अधिसूचित किया गया है? तो भारत का पहला डोगोंग संरक्षण रिजर्व अभी तमिलनाडु में अधिसूचित किया गया है। अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के अभी चीफ मिनिस्टर हैं सी राज गोपालाचारी। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, और तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि। अच्छा, तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया है। तमिलनाडु ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है, और स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। तमिलनाडु सरकार ने ITI के अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर अभी काम करना शुरू किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हाल ही में वालेरी पालाको का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वालेरी पालाको यह एक अंतरिक्ष यात्री थे। वालेरी पालाको अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का एक रिकॉर्ड बनाया था। ये रिकॉर्ड था 437 दिन का। 437 दिन रहकर इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था। अभी 80 वर्ष के उम्र में इनका निधन हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पुलिस आकस्मिक छुट्टियों को बढ़ाया है? तो हाल ही में अभी महाराष्ट्र सरकार ने अपनी पुलिस आकस्मिक छुट्टियों को बढ़ा दिया है। कितना बढ़ाया है?
तो पहले ये छुट्टियां 12 दिन हुआ करती थी, अभी इसको बढ़ा करके 20 दिन कर दिया गया है, यानी प्लस 8 कर दिया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो देश में पहले इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस मुंबई में शुरू हुई है और महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को एक खेल का दर्जा दे दिया है। भारत के नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का एक रिकॉर्ड बना है। अच्छा, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। अगर हम बात करें भारत में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो यह है तमिलनाडु। अगर बात करें फलों की, तो आंध्र प्रदेश। और सब्जियों में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। और चीनी में आपको बता ही दिया, ये महाराष्ट्र है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स किस क्षेत्र में खोला गया है? दोस्तों, कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स अभी श्रीनगर में, जो कि कश्मीर की राजधानी है, यहाँ पर खोला गया है। 31 दिसंबर 1990 को आतंकवाद को बढ़ते हुए देखकर सरकार ने इसे बंद कर दिया गया था, और इसके बाद से अब जाकर फिर से कश्मीर में पहला मल्टीप्लेक्स खोला गया है। अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, और कश्मीर के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। दोस्तों, कश्मीर का बंटवारा कर दिया गया था 31 अक्टूबर को 2019 को। तो आज हम ये 6 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इस क्लास में। अच्छा, कल पूछे गए क्वेश्चन का जवाब है, कल हमने आपसे पूछा था, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत सितंबर 2022 में किसने की थी? तो इसका सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं। और आज का क्वेश्चन है, जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। आज का क्वेश्चन, किसे पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में सितंबर 2022 में नामित किया गया है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका जवाब आपको सही जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की क्लास दोस्तों बस यहीं तक। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।